हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन लॉक किए हुए हैं, उन्हें आपको अनलॉक करना है तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो वीडियो में बस सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको, अगर आपको पता हो कि आपके फ़ोन के अंदर ऐप लॉक का फीचर नहीं है, तो हमने अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था जो कि हमारे फ़ोन में ऐप लॉक प्रो नाम से। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे इसे ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आपने इसका जो भी पिन पासवर्ड सेट किया होगा उसे आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें आपके कुछ एप्लीकेशन जो हमने पहले से लॉक किए हुए थे, यहाँ से जो आपको जो ग्रीन कलर के एप्लीकेशन मिल जाए, जैसे कि हमारे ये वाला है, यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला है, वाईफाई वाला है, एआरजूड है, जो भी आप यहाँ से ना अनलॉक कर सकते हैं। जैसे ये अनलॉक है, इसे अनलॉक कर देंगे यहाँ से, ये भी अनलॉक कर देंगे। हमारे फ़ोन में अब क्रोम ब्राउज़र भी लॉक थे, ये भी अनलॉक हो चुका है, यहाँ से सारे हमने अनलॉक कर दिए हैं। नीचे भी कोई एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ से आप इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन पर कोई लॉक देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र है, फेसबुक है, हमारे सारे डायरेक्ट ओपन हो रहे हैं। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।